प्रिफर को यूज करते हुए सेंटेंसेस बोलिए, आप भी बोलिए और आप भी बोलिए। आई प्रिफर बिरयानी टू मंदी। ओके, बी माइंडफुल व्हाट यू आर सेइंग, सोच के बोलना, जल्दी कुछ भी नहीं है, गलती नहीं करना। ओके, आई प्रिफर वोकैबुलरी टू इडियम्स, मीन्स शी इज मोर इन टू लर्निंग वोकैबुलरी, गुड। आई प्रिफर, ओके, आई प्रिफर आउटडोर गेम्स टू इनडोर गेम्स, ज्यादा बाहर खेलना पसंद है। या क्विकली, वेरी सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, आई प्रिफर नूडल्स टू फ्राइड चिकन। ओके, आई प्रिफर स्मार्ट वॉच टू ऑर्डिनरी वॉच, इफ यू हैव टू ऑप्शंस, आई प्रिफर स्मार्ट वॉच। या ओके, वेरी गुड, गुड सेंटेंस। आई प्रिफर क्रैमिंग आंसर्स टू अंडरस्टैंडिंग आंसर्स, रटना पसंद है करते, समझना पसंद नहीं है करते। ओके, क्रैमिंग रटने को बोलते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बट इट्स नॉट अ गुड प्रेफरेंस। नेटिव लैंग्वेज, नेटिव इंग्लिश टू नॉर्मल, गुड। I prefer, I said, yeah, very easy. Okay, shall I move on? Have you got some answers there? Keep checking. Phone off. Oh my God. The phone, jo check karte hum log, it turned off. So you should have checked everything before coming to class, battery. Inshallah, I will see all the answers after class, inshallah. So write sentences with prefer. After class, I will check them personally. Now, the next structure. Ab jo dusra padhne wale wo hai, superlative. Superlative means द बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बेहतरीन, हम उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। जैसे बिग है, बिगर है, बिगेस्ट, लास्ट वाला उसको बोलते सुपरलेटिव, इससे अच्छा कुछ और नहीं है। तो हम बोलते हैं आमतौर पे, दिस इज द बेस्ट क्लास, दिस इज द बेस्ट सिटी टू लिव, कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स अ फैक्ट, कतर इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूजीलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूजीलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, मीन सुपरलेटिव मीन उससे आगे कुछ भी नहीं आता, लास्ट उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। डू गेट मी? सो सुपरलेटिव के एक सेंटेंस है, आई वांट टू टीच यू। कॉमन तो हम बोल लेते, जैसे कतर इज द रिचेस्ट कंट्री, एवरीबडी सेज दैट। ओके, न्यूजीलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री, एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल, व्हेल इज द बिगेस्ट मरीन एनिमल लाइक वाटर एनिमल। ओके, एनीथिंग जो लास्ट होते उसको सुपरलेटिव बोलते। अब आपको यह बोलना है, आपके उतना सखी आदमी मैंने नहीं देखा कभी, किसी तारीफ कर रहे आप, क्या आपके उतना सखी दिल वाला आदमी मैं आज तक नहीं देखा। सो वी हैव अ गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर वी शुड लर्न टुडे, वो ये है कि यू आर द मोस्ट जेनरस पर्सन आई हैव एवर सीन, मोस्ट समथिंग यू हैव एवर डन। ओके, ऐसे और पढ़ेंगे पर आगे, और आई हैव मोर एग्जाम्पल्स, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव मी मोर एग्जाम्पल। आई हैव आई थिंक 8 एग्जाम्पल्स, सच एग्जाम्पल्स, 8 एग्जाम्पल्स है। उसके बाद आई वॉन्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड यू टू मेक यूर ओन एग्जाम्पल्स एंड टेल मी। तो पहला क्या है, यू आर द मोस्ट जेनरस पर्सन आई हैव एवर सीन, यानी आपके उतना सखी मैं आज तक नहीं देखा। आपको बोलना, पेपर पढ़े, अखबार पढ़े, आप सियासत अखबार पढ़े, आप देख पढ़ के बोल रहे, दिस इज द बेस्ट पेपर आई हैव एवर रेड, दिस इज द बेस्ट न्यूज पेपर आई हैव एवर रेड। ओके, यू कैन ऑल्सो से कि आप कुछ मूवी देखे बेहतरीन थी, तो आप बोल सकते, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड, बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आज तक इतना मजे का केक नहीं खाया, हाउ वुड यू से? वेरी गुड, इजी, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस केक आई हैव एवर ईटन। क्या था, क्या था, आई हैव एवर सीन, मैं आज तक नहीं देखा, क्या था, क्या, आई हैव एवर ईटन, मैं आज तक नहीं खाया। ओके, मोस्ट जेनरस, मोस्ट डिलीशियस, मतलब इतना मजे का केक मैं आज तक नहीं खाया, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस केक आई हैव ever eaten। Next, आज तक इतनी दिलचस्प गेम नहीं खेला मैं, तो गेम खेले वो इंटरेस्टिंग थी, तो आप ये बोले, इतनी इंटरेस्टिंग गेम मैं आज तक नहीं खेला, how would you say? Very good, this is the most interesting game I have ever played, this is the most interesting game I have ever played। मैं आज तक उस जैसा अजीब आदमी नहीं देखा। Some people are weirdo, weirds, weird समझते ना, with strange habits, with strange practices, अजीब काम करते, they have bizarre dressing sense, कपड़े भी अजीब पहनते, they have bizarre way of talking, बात करने का अंदर क्या था, अजीब रहता। Okay, contrary to normal, normal से हटके रहते ना, they are called weirds, क्या बोलते लोग हम, weird, weird, weird। तो आपको ये बोलना है, मैं आज तक उस जैसा अजीब आदमी नहीं देखा मैं, तो क्या बोलेंगे, ये मोस्ट वियर्ड आएगा, वियर्डेस्ट आएगा, वियर्डेस्ट। ओके,
सब बोलेंगे इज द वियर्डेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, आई हैव एवर प्लेड, आया ऐसे गेम में आज तक नहीं खेला, ऐसे दिन आज तक नहीं मिला, ही इज द वियर्डेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आप किसी से मिले, आप जो चिड़चिड़े उससे बाबा आते हैं, यू कैन से ही इज द मोस्ट इरिटेबल पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस, ही इज द मोस्ट इरिटेबल पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस। मतलब इतने चिड़चिड़े आदमी से मैं आज तक कभी साबे खाने पड़ा, मेरा कहीं नहीं मिला मैं ऐसे चिड़चिड़े आदमी से। नेक्स्ट, मैं टॉम तो उतना खुदगर्ज और घमंडी इंसान से नहीं मिला, टॉम है तो उसके उतना खुदगर्ज और घमंडी इंसान से आज तक नहीं मिला। हाउ वुड यू से टॉम इज द मोस्ट सेल्फिश एंड एरोगेंट इंडिविजुअल आई हैव एवर मेट। यू कैन से पर्सन, यू कैन से इंडिविजुअल, बोथ आर सेम, कोई फर्द इंडिविजुअल अकेला। तो आप ये बोल रहा है टॉम इज द मोस्ट सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ओके, इतना खुदगर्ज है एंड एरोगेंट, हाउ वुड यू से एरोगेंट, खुदगर्ज नहीं सॉरी घमंडी, एरोगेंट घमंडी इंडिविजुअल फर्द है आई हैव एवर मेट। यानी ऐसे इंसान के उतना खुदगर्ज और घमंडी से मैं आज तक नहीं मिला। सो हियर दिस इज सुपरलेटिव, ये लास्ट है वो जैसा। नेक्स्ट, सबसे बेहतरीन काम करे आज आप, तारीफ कर रहे हैं आप किसी की, सो सिंपल बोल सकते यू हैव द दिस इज द बेस्ट वर्क यू हैव एवर डन, दिस इज द बेस्ट वर्क यू हैव एवर डन। आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, मैं आज तक आपके जैसे अच्छे दिन मिला मैं, यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आप किसी से मुलाकात करे उन मसरूफ रहते तो आप बोल रहे मैं उनके उतना मसरूफ इंसान आज तक नहीं देखा मैं, ओके, ही इज द बिजिएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, ही इज द बिजिएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। आप किसी से मुलाकात करे टैलेंटेड है, आप बोल रहे ही इज द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल आई हैव एवर मेट, ओके। चलिए नेक्स्ट, आज तक इतनी अच्छी किताब नहीं पढ़ा मैं, आपको बोला था शुरू में, कैसा बोलेंगे दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। ये रीड को रेड पढ़ते हैं हम, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म है ये, कि थर्ड फॉर्म क्या है बोलते, फर्स्ट फॉर्म भी आता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये क्लास नंबर थ्री में है पूरा है। द पीपल हु जॉइन टुडे और जो जॉइन रिसेंटली, आई अगेन टेल देम टू गो एंड वॉच ऑल दोस लेसंस। एंड वन थिंग, जहीर साहब बोले थे बात ये कि एक एक वीडियो को तीन बार देखिए आप, चार बार देखिए, बिकॉज वीडियोस आर फॉर फ्री, दे आर नॉट बींग चार्ज्ड, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा देखने की, ओके। जितनी बार देखेंगे उतना फायदा होगा, जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो आप होमवर्क हो रहा, जो क्लास वर्क हो रहा, जो एक्सप्लेनेशन है, आप देखिए इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू, बेनिफिट यू इंशाल्लाह। लास्ट सेंटेंस, आई थिंक मक्के से बेहतरीन कोई जगह नहीं गया मैं, कहीं जाने को बिन बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बिन। देखिए आप, मक्का इज द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस आई हैव एवर बीन टू, ओके। मतलब आप किस कोई जगह की तारीफ कर रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड चले गए, आप एकदम नेचर है, ग्रीनरी है, बेहतरीन मौसम है, तो आप क्या बोलेंगे स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव एवर बीन टू, समझे ना। अच्छा, इसी तरह आप कोई जगह गए एकदम खराब जगह थी, तो आप बोलेंगे दैट वॉज द वर्स्ट प्लेस आई हैव एवर बीन टू, मैं गया तो क्या बोलेंगे एवर बीन टू यूज करेंगे अपन। पिकनिक पे गए आप, अच्छी थी पिकनिक, आप जू पार्क गए आप, ओके, यू एंजॉयड अ लॉट, यू हैड अ वेल ऑफ टाइम ओवर देयर, सो यू कैन से दिस इज द बेस्ट पिकनिक आई हैव एवर बीन टू, दिस इज द बेस्ट पिकनिक आई हैव एवर बीन टू, ओके। मक्का इज द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस आई हैव एवर बीन टू, बिकॉज आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, कई जगह गया मैं, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मक्का इज द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस आई हैव एवर बीन टू। नाउ यू आर सपोज टू आंसर मी, ये सुपरलेटिव यूज करके बोलना कोई भी चीज, वेरी गुड, शी इज द मोस्ट ग्लूटेन इंडिविजुअल आई हैव एवर सीन, हैज शी स्नैच योर लंच एवर, हैज शी एवर स्नैच योर लंच, ओके, उसके इतनी खादुड़ मैं आज तक नहीं देखी, ओके, करिश्मा इज द बेस्ट बाइक आई हैव एवर रिडन, दिस इज द नहीं सुपरलेटिव आना, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस आई हैव एवर बीन टू, ओके, ही इज द मोस्ट हैंडपेक्ड हस्बैंड आई हैव एवर सीन, वेरी गुड, वी हैव सेवन वंडर्स एंड अमंग देम इज ताजमहल, ओके, द क्राउन ऑफ इंडिया, तो शी इज टेलिंग दैट ताजमहल इज द बेस्ट वंडर आई हैव एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू अदर वंडर्स, ओके, फर्स्ट यू नीड टू एक्सपीरियंस देम, ओके, ऑब्वियसली ताजमहल सिट्स टॉप, ओके, इट इज द बेस्ट वंडर आई हैव एवर बीन टू, आई हैव बीन टू ताजमहल टू टाइम्स, आई वेंट देयर एंड आई हैड अ वेल ऑफ टाइम, इट्स मार्वेलस, इट्स अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू गो देयर, द ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट एंड द मेजरमेंट्स All are incredible.
okay, this is the best school I have ever been to. Great, very good. She is the most workaholic person I have ever seen. So great examples you are getting here. So you can copy, because I am repeating these examples. So after the class, make sure you rewatch the video. फिर से वीडियो देखिए और जो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को पॉज करते रहिए, लिखते रहिए इंशाल्लाह. दैट विल बी हेल्पफुल. एंड अगेन वन थिंग, इफ यू फील डिफिकल्टी, अगर आपको मुश्किल हो रही, बिकॉज वी डू नॉट हैव इजी ऑप्शन टू गो बैक ऑन फेसबुक. ऑन फेसबुक वीडियो वी कैन नॉट, आई थिंक वी कैन नॉट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इजिली, बट ऑन यूट्यूब वी कैन डू दैट. 10 सेकंड बैकवर्ड, 10 सेकंड फॉरवर्ड. ओके, वी हैव अ यूट्यूब चैनल, एक चैनल भी यूट्यूब का, सियासत का, सियासत एजुकेशन, सियासत एजुकेशन. ओके, ऑन दैट चैनल ऑल दीज क्लासेस अपलोडेड. तो यूट्यूब पे एक चैनल है सियासत एजुकेशन के नाम से, सियासत और की तरफ से, वहां पूरे क्लासेस अपलोड है, वहां देखे जाके आप. सो इफ यू वॉच अ वीडियो ऑन यूट्यूब, इट विल बी इजी टू जस्ट पॉज द वीडियो और गो बैक एंड गो फॉरवर्ड. यू कैन डू एनीथिंग, लाइक यू कैन मेक नोट्स इजिली ऑन यूट्यूब, यू कैन डू दैट ऑन फेसबुक एज वेल, बट यूट्यूब इज मोर कन्वीनियंट. अगेन कंपेयरिंग, यूट्यूब इज मोर कन्वीनियंट. And the people who have IDs only can have access to Facebook. But YouTube, anyone can, even without ID. So if you know someone who does not have ID, who does not have a Facebook account, you can share YouTube links with them. They can just click the link and they can watch the video. Okay? Shall I move on? Are we done with superlatives? Ye toh ho gaya hamare. Now, let's stop here. So today, how many things did we learn? आज कितने चीजें पढ़े अपन? आज हम पढ़े less से पढ़े, less educated, less complicated. If you ask me, maths and physics, I would say maths is less complicated than physics. I don't know both. Okay? If you ask me about language, okay, anything. Less का पढ़े हम. फिर क्या पढ़े हम? Prefer. Okay? Prefer something to something. Third क्या पढ़े हम? Superlative. Okay? Now, as you know, we have been discussing this topic for 3 days. As third day, today, inshallah, we'll finish this topic. Aaj topic khatam kar dena hai. So, as we end this topic, aaj hum khatam kar rahe hain, so we have some beautiful proverbs, idioms, quotes, and sayings with comparative. Ki comparison mein baaz achhe proverbs hai hamare paas, comparison sentences. Hum wo padh lenge inshallah, that will be the end of class. Shall I? Yes. See, usually kya hota, hum jab baat karte kisi se, तो बात करने में एक दो थोड़े प्रॉब्लम्स याद रहना हम, कि सही टाइम पे सही प्रॉब्लम बोलना अपन. बिगट मी, फॉर एग्जाम्पल, कोई बैठ के प्लान डाल रहे, लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के प्लान डाल रहे कि अब अपन ये करेंगे वो करेंगे. तो आप बोल रहे हैं इट इज इजियर सेट दैन डन. क्या बोल रहे हैं? इट इज इजियर सेट दैन डन. यू आर प्लानिंग, दैट इज गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट. तो उर्दू में क्या बोलेंगे हम? कहना आसान है, करना मुश्किल है. कहना आसान है, करना मुश्किल है. तो क्या बोलते इंग्लिश में उसको? इट इज इजियर सेड दैन डन. तो कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपैरिजन हो गया. क्या ये? कंपैरिजन. ऐसे बहुत से सेंटेंस ऐसे अभी देने वाला हूं आपको मैं. तो राइट देम, लर्न देम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यूज देम. द फर्स्ट वन, बोलना आसान है, करना मुश्किल है. बोलिए कैसा बोलेंगे? इट इज इजियर सेड दैन डन. सेड बोलना आसान है, करना क्या है? मुश्किल है. नेक्स्ट वन, बुरी सोहबत से अकेले रहना बेहतर है. बुरी सोहबत मींस बैड कंपनी से अकेले रहना क्या है? बेहतर है. बेहतर तो बेटर यूज करेंगे हम इसमें. बुरी सोहबत से अकेले रहना बेहतर है. एंड आई एक्सपेक्ट अवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू गिव आंसर्स इंशाल्लाह आफ्टर क्लास, आई विल चेक देम. ओके, बीइंग अलोन इज बेटर देन बीइंग इन अ बैड कंपनी, इट इज गुड. खदीर गेव अ करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट. सी द सेंटेंस इज, it is better to be alone than in a bad company. Again comparison, compare कर रहे हैं अकेलेपन को और bad company को. तो प्रॉब्लम भाई. Okay, repeat after me. बोलना आसान है, करना मुश्किल है. बोलना आसान है, करना मुश्किल है. It is easier said than done. It is easier said than done. बुरी सोबत से अकेले रहना बेहतर है. बुरी सोबत से अकेले रहना बेहतर है. It is better to be alone. It is better to be alone. Than in a bad company. It is better to be alone than in a bad company. सलाई? जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी है. थोड़ा इमोशनल हो गया. मीन्स कहीं जॉब वगैरह करते आप